बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि हमने एक कंप्लीट कोर्स शुरू किया रिसर्च मेथड्स पे। आज इसका लेक्चर नंबर 3। इसका जो टॉपिक है, डू ऑल सोशल साइंटिस्ट यूज द सेम मेथडोलॉजी। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। बहुत ज़्यादा सोशल साइंस के जो स्कॉलर्स, दे डोंट नो दैट विच टाइप अप्रोच आई शुड utilize in my research methods while I'm conducting any research on any topic or any problem. In this short lecture, मैं आपको कुछ approaches mention करूँगा जो social science के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो मेरा पहला slide है वो भी इसी पे मबनी है, do all social scientists use the same methodology? I must say no. They do not use the same methodology. There are two main philosophical positions of social science research. मैं नो इसीलिए नहीं करूँगा, नो इसीलिए कहता हूँ कि मुख्तलिफ फिलासॉफिकल पोजिशन है सोशल साइंस रिसर्च की। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पैराडाइम्स। इसको क्या कहते हैं? पैराडाइम भी कहते हैं, यानी तरीके। दोज आर पॉजिटिविज्म एंड इंटरप्रिटिविज्म। दो अप्रोचेस कौन से जो सोशल साइंस में यूज होते हैं? वो है पॉजिटिविज्म एंड इंटरप्रिटिविज्म। वन ऑफ द कंफ्यूजिंग थिंग अबाउट लर्निंग अबाउट रिसर्च इज दैट The distinction between these two are often overemphasized or oversimplified. इस पे एक दूसरे पे तनकीद भी करते हैं और कंफ्यूज भी करते हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। यू विल सून रियलाइज दैट मैनी रिसर्चर्स डू नॉट स्ट्रिक्टली फॉल इन टू वन कैंप और अनदर। आपने ये भी महसूस करना है कि एक कैंप के जो लोग हैं वो दूसरे कैंप के लोगों पे तनकीद भी करते हैं। So if you are just starting out, spend some time reading about the terms and their definitions. तो जब भी आपने शुरू करना है रिसर्च, तो आपने कुछ टाइम इसी पे भी लगाना है कि पॉजिटिविज्म अप्रोच क्या है और इंटरप्रेटिविज्म अप्रोच क्या है। Later in your research journey, you may be ready to reflect more critically on the difference between philosophical position and their stand. बाद में जो ना आपको ये पछताना पड़ेगा कि मैं किस दलदल में पास गया हूँ कि मैं फिलोसॉफिकल पोजीशन को नहीं समझ पाया। लोग आप पे तो तनकीद भी करेंगे। पॉजिटिविस्ट सोशल साइंटिस्ट यूज मेथड रिजेम्बलिंग दोज ऑफ द नेचुरल साइंसेज एज टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग ए सोसाइटी। पॉजिटिविस्ट जो अप्रोच है, फिलॉसफी है, जो कि सोशल साइंटिस्ट यूज करते हैं, ये तकरीबन जो है ना वो नेचुरल साइंस से उधार लिया हुआ। Positivism in the social science is usually characterized by quantitative approach with test hypothesis. Positivism का जो approach यानी philosophy ये पता है social science में जो use होती है, कौन सा approach use कर रहे? Quantitative approaches। मतलब clear हो गई कि positivist quantitative approach इस्तेमाल करते हैं जो कि hypothesis को test करते हैं। ये तो clear हो गया positivism। अब इंटरप्रेटिविस्ट पे आ जाते हैं। इंटरप्रेटिविस्ट को ऑल्सो सम टाइम कॉल्ड एंटी पॉजिटिविस्ट। ये पॉजिटिविस्ट को नहीं मानते, उनके खिलाफ होते हैं। सोशल साइंटिस्ट बाई कंट्रास्ट बिलीव दैट बिकॉज देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द नेचुरल एंड सोशल साइंस। इंटरप्रेटिविस्ट कहते हैं कि नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में ज़मीन आसमान का फर्क है और सब्जेक्ट मैटर में भी फर्क है। द मेथड ऑफ द नेचुरल साइंसेज कैन नॉट बी यूज्ड इन द सोशल साइंस। वो यही कह रहे हैं कि जो नेचुरल साइंस की मेथड है वो सोशल साइंस में आप मर्ज नहीं कर सकते। द स्टडी ऑफ सोशल फिनोमेना रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल वर्ल्ड दैट पीपल इनहेबिट। आपने जब लोगों के मसाइल हल करने, तो आप सोसाइटी की तरफ जा रहे हो। सोसाइटी में लोग होते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को डिग आउट करते हैं। Words which people have already interpreted by the meaning they produce and reproduce as a necessary part of their shared everyday activity. Interpretivist यानी anti-positivist क्या कहते हैं कि आपने जब लोगों के मसले मसाइल हल करने के जो everyday की activities हैं और उनकी shared activities हैं, आपने जब इस पर कोई research produce करना है, तो आप positivism approach के apply नहीं कर सकते। Interpretivist usually use क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। ये भी यहाँ पर क्लियर हो गई कि इंटरप्रेटिविस्ट क्वालिटेटिव अप्रोच को यूज़ करते हैं, सच एज एथनोग्राफिक फील्ड वर्क और ओपन एंडेड इंटरव्यूज। अब पता चल गया कि जो पॉजिटिविस्ट है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज़ करते हैं, जो इंटरप्रेटिविस्ट है
को क्वालिटेटिव अप्रोच यूज़ करते हैं। लेकिन अब थ्योरी के बदल गए। इन मॉडर्न एकेडमिक प्रैक्टिस रिसर्चर्स यूजेस मल्टीपल मेथोडोलॉजी। जो मॉडर्न रिसर्च है ना, इसमें मतलब मुख्तलिफ मेथोडोलॉजीज लोग अप्लाई करते हैं। फॉर इंस्टेंस बाई कम्बाइनिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक। अब जब दोनों टेक्निक को मिलाया जाता है, यानी पॉजिटिविस्ट के और इंटरप्रेटिविस्ट के फिलोसॉफिकल अप्रोच को जब कंबाइन किया जाता है, तो उसको फिर क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स, और अदर वर्ड्स में इसको क्या कहते हैं, मिक्स मेथड रिसर्च। मुझे उम्मीद है आपको आज की लेक्चर पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें, और लाइक कमेंट्स ना भूलिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।